मंगलौर में सहकारी गन्ना विकास समिति की चतुर्थ वार्षिक सामान्य निकाय बैठक लिब्बे रहडी परिक्षेत्र में आयोजित की गई है। वहीं इस गन्ना समिति की चतुर्थ वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई किसान भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान चेयरमैन सुशील राठी ने समिति की आय का ब्यौरा किसानों के सामने रखा है। इस दौरान बैठक में उपस्थित किसानों ने संयुक्त रूप से गन्ना के समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की मांग की। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना विकास समिति की नींव ही किसानों के हितों में के लिए रखी गई है और सरकार भी जल्द ही गन्ना मूल्य घोषित करेगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। पर आए हैं, मैं भाई सुशील जी और बहन रेणु जी का स्वागत करता हूँ। उन लोगों ने हमारा बड़ा यहाँ पर बुलाकर सम्मान किया, स्वागत किया। हम सब लोग किसानों के साथ, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। और जो हमारे लिब्बा रेड्डी गन्ना सहकारी समिति है, बहुत अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है। गन्ना समिति की चतुर्थ वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी और सभी प्रतिनिधियों ने, सभी सम्मानित किसान प्रतिनिधियों ने आज हमारा इस बैठक में जितने भी प्रस्ताव थे उनको सर्वसम्मति से पारित किया है। और ये उत्तराखंड की आज नंबर वन समिति बन गई है, क्योंकि ये ऐसी समिति है जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 जो करंट का है उसकी संतुलन पत्र बना के ऑडिट भी करा दिया है और आज इसकी AGM भी हो गई है। उत्तराखंड में कोई ऐसी समिति नहीं है जहां पर ये हुआ हो। दूसरा, आज समिति का के लिए दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इसका स्थापना दिवस भी है। 2009 में बनी थी, आज 14 वर्ष की हो गई।